हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द मिस्टर जेपी ट्रेडर। तो आज है 10 to 100 ग्रोइंग फॉरेक्स ट्रेडिंग चैलेंज का 39 डे, और देख सकते हो मार्केट में फर्स्ट मैंने एंट्री बनाई है जेपीपी जेपीवाई में। इसमें आप देख सकते हो कि हमारी एंट्री जो बनी है यहाँ पर बनी है, मार्केट एक देख सकते हो इन्वर्टेड हैमर नीचे की तरफ बनाने के बाद देख सकते हो सीधा ही नीचे की तरफ फॉल हुआ। उसके बाद देख सकते हो जैसे ही इसी ने कर लो ब्रेक किया, यहाँ पर मैंने एंट्री बना ली। उसके बाद देख सकते हो मार्केट स्टेट अभी ऊपर जा रहा है, नीचे भी मार्केट यहाँ से आ सकता है। यदि मैं आपको इसकी ट्रेडिंग व्यू पर लेके चलूँ तो देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू पर भी सेम टू सेम आपको कुछ इसी प्रकार का देखने मिलेगा। साथ ही देख सकते हो मार्केट एक अपसाइड में था, उसके बाद देख सकते हो ट्रस्टली फॉल होता है, फिर एक पुल बैक लेता है, फिर नीचे आता है। देख सकते हैं मार्केट यहाँ से ये पुल बैक कितना लेता है। यदि पुल बैक ज्यादा बड़ा लेगा तो हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा, अगर छोटा ही पुल बैक लेकर नीचे की तरफ आता है तो हमें अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडर्स, जैसे ही कुछ होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। जेबीपी जेपीवाई की ट्रेड में देख सकते हो हमारा एसएल हिट हो गया, और इसमें हमें हुआ था 1.06 US डॉलर का लॉस। उसके बाद देख सकते हो मैंने तीन और ट्रेड ली थी, उसके बाद मैंने ली थी यूरो यूएसडी में, जिसमें भी देख सकते हो कि हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर से जेबीपी जेपीवाई में दो सेल और किए गए, मैं हाई टाइम फ्रेम पर सेल कर रहा था, मेरे को ऐसे एक्सपेक्ट था कि मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन मार्केट में फॉल नहीं देखने को मिला। और दोनों ही लास्ट के ट्रेड में देख सकते हो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जिसमें देख सकते हो एक में 1.70 US डॉलर का लॉस हुआ और दूसरे में हमें 0.77 US डॉलर का लॉस हुआ। तो ओवरऑल आज देखोगे तो हमें हुआ है 4.12 USD का लॉस, जो कि आप देख सकते हो कुछ हमारे अकाउंट के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें 4 डॉलर का लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे अकाउंट के लिए। आप कभी भी ऐसे मिस्टेक ना करें। आज मेरे को खुद को एक लर्निंग लेनी है कि देख सकते हो कि ये एक ओवर ट्रेडिंग है, खुद एक्सेप्ट करूं या ना करूं फिर भी एक ओवर ट्रेडिंग है, क्योंकि एक लिमिट होनी चाहिए। औसतन एवरेज में 3 डॉलर के आसपास डे रिस्क लेके चलता हूं, लेकिन देख सकते हो आज मैंने उसको भी क्रॉस कर दिया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नई लर्निंग के साथ नई वीडियो में।